वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। मुंह से वाओ के अलावा कुछ नहीं निकल रहा, पर दूसरा एंगल ये है कि पूरी दुनिया जा कहां रही है, तबाही की तरफ। ऐसे ऐसे वेपन बन रहे हैं कि कहीं कुछ हो गया और लड़ाई शुरू हो गई तो दुनिया नहीं बचेगी। भाई क्या कमाल कमाल। राइट, देखिए MIRV चाइना के पास भी है, रशिया के पास भी है, तो बहुत अच्छी बात है कि इंडिया के पास भी आ गया, डेटरेंट हो गया कि तुम्हारे पास है तो क्या हुआ, हमारे पास भी है। और इनफैक्ट अग्नि की रेंज ज्यादा है मोस्ट लाइकली उन लोगों से। तो हमने प्रशांत धवन, नाउ मैंने आप सबको बताया था कि 15 दिसंबर ये वो डेट है, 15 से 16 दिसंबर भारत कुछ बड़ा टेस्ट कर सकता है, भारत कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, और हुआ भी यहाँ पर यही। अग्नि 5 का एक मॉन्यूमेंटल टेस्ट किया है भारत ने अपनी मैक्सिमम रेंज के साथ। देखो, अग्नि 5 का टेस्ट इससे पहले हम कर चुके हैं, मगर उसकी मैक्सिमम ऑपरेशनल कैपेसिटी में, मतलब आप कह लीजिए अग्नि 5 की ट्रू फोर्स, ट्रू रेंज पहली बार भारत ने दिखाई है, 5400 से लेकर 5500 किलोमीटर के आसपास। तो चाइना खड़ा था वहां पे टैंक लेकर, इंडिया ने अब प्रॉपरली चाइना को दिखा दिया है कि पूरा चाइना, चाहे चाइना के नॉर्दर्न मोस्ट एरिया में भी शी जिनपिंग एक गुहा बना के छुप जाए, अग्नि 5 मिसाइल वहां पर भी हिट करेगा। यहाँ पे आप देख पाओगे, इसलिए बहुत से आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, अग्नि 5 सक्सेसफुली टेस्टेड, इट कैन रीच बीजिंग। और बिल्कुल, इससे पहले इंडिया ने जब भी अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट किया है, हमने आप कह लो फुल रेंज इसकी टेस्ट करी नहीं है, मगर इस बार नई टेक्नोलॉजी के साथ MIRV के साथ भी हमने ऐसा टेस्ट किया है कि इंडिया के जो पड़ोसी कंट्रीज हैं उनको भी ये टेस्ट आसमान में दिखा। यहाँ पर आप देख पाओगे ये म्यांमार देश का एक न्यूज आउटलेट है, इसने ट्वीट करी है। म्यांमार, वैसे आप अगर नोटिस करोगे यहाँ पे आपको मिलेगा, तो म्यांमार का जो ये रीजन है ना, बिल्कुल बे ऑफ बंगाल के पास में, इसको कहते हैं ये लोग रखाइन स्टेट। ये काफी हद तक न्यूज में भी थी 2019 के आसपास रोहिंग्या क्राइसिस की वजह से। तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं ना, उन्होंने आसमान में देखा इस तरीके से एक प्रोजेक्टाइल बहुत तेज से आसमान में जा रहा था। कई लोगों को लगा कि कोई स्पेसशिप है, कोई आधुनिक टाइप का मिलिट्री हार्डवेयर है, क्योंकि जो इमेजेस सामने आई हैं आप इमेजिन करके देखिए, म्यांमार के लोग डर गए थे कि आसमान में एक्चुअली है क्या ये, जबकि ये था अग्नि 5 मिसाइल। और इंडिया ने यहाँ पे आप देख पाओगे ओडिशा से ये मिसाइल लॉन्च किया, और सीधा बे ऑफ बंगाल को पार करके ना, जो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न वाटर्स हैं उसके पास जाकर हिट किया है टारगेट को अग्नि 5 मिसाइल ने। और अगर आप सोच रहे हैं कि इंडिया ने ये मिसाइल अचानक से इसलिए टेस्ट कर लिया क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, नहीं, पहले ये इंडिया ने प्लान कर रखा था। जैसे मैंने आपको बताया 15 तारीख को ये टेस्ट होगा, इसके बारे में इंडिया ने पहली बात तो एक वार्निंग जारी करी थी, नोटिस टू द एयरमैन के इस रास्ते पर 15-16 दिसंबर को मत आना, हम एक मिसाइल टेस्ट करेंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या चाइना और पाकिस्तान इस मिसाइल के बारे में कंप्लेन करेंगे, देखिए पाकिस्तान थोड़ा बहुत हो सकता है कि कंप्लेन करे, मगर चाइना, मैं आपको बता दूं, चाइना फिर से बहुत रोएगा कि इंडिया ने एक बहुत ही ज्यादा हाई रेंज का मिसाइल टेस्ट किया है। आप देखोगे चाइना की तरफ से एक ऑफिशियल प्रोटेस्ट आएगा, मगर आपका क्वेश्चन ये होगा कि हमने अग्नि 5 में इस बार नई टेक्नोलॉजी कौन सी टेस्ट करी है। समझाता हूँ आपको, पहले ना एक बहुत ही बेसिक बात जान लो, कभी अग्नि 5 का ब्रिटानिका में या फिर विकिपीडिया पे या फिर किसी और एनसाइक्लोपीडिया में उसका पेज स्टडी करोगे ना, तो वहां पे आप देखोगे कि अग्नि 5 की जो मैक्सिमम स्पीड है ना, ये लिखी होगी Mach 24। अब आप यहाँ पर कहोगे वेट, इतना तो हाइपरसोनिक मिसाइल का भी नहीं होता, Mach 24 रियली, आई मीन इतनी स्पीड अग्नि 5 रीच कर सकता है। जी हाँ, एक्चुअली आप नोटिस करोगे यहाँ पर ये भी लिखा है टर्मिनल फेज। समझाता हूँ, अग्नि 5 एक बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब के पहले ये एक बहुत ही बड़ी हाइट को छूता है और उसके बाद धरती की तरफ फुल स्पीड से वापस आता है। तो आप कह लो पहले तो होता है इसका बूस्ट फेज, उसमें ये जाता है ऊपर, फिर होता है मिड कोर्स फेस, वहां पर ये अपनी जो ट्रेजेक्ट्री है थोड़ी सी चेंज भी करता है, फिर ये वापस री एंट्री करता है अर्थ की तरफ, और उसके बाद थोड़ा सा ग्लाइड करने के बाद इसका स्टार्ट हो जाता है टर्मिनल फेज। ये फाइनल फेज होता है एक बैलिस्टिक मिसाइल का, अग्नि 5 मिसाइल जब इस फेज में पहुंचता है ना, तब उस वक्त धरती की ग्रेविटी भी उसको खींच रही होती है, और जो वो मोमेंटम ऑलरेडी गेन कर चुका था वो भी उसको फुल फोर्स से आगे धकेल रहा होता है। मोरोवर इस स्टेज में आके अग्नि 5 का ज्यादातर जो हिस्सा है, जो इसके बूस्टर है पीछे के, ये अड़ चुके होते हैं,
टर्मिनल फेज तक ना अग्नि 5 का जो बस ये ऊपर का पार्ट बचा है ना यही बचता है। इसमें होते हैं वॉरहेड, जो विस्फोट होगा जो डैमेज होगा वो यही पार्ट करेगा, बाकी नीचे का पार्ट तब तक जा चुका होता है। तो टर्मिनल फेज में जब अग्नि 5 नीचे जा रहा होता है तब इसकी स्पीड मार्क 25 के आसपास जा सकती है। बेसिकली आप टर्मिनल फेज में एक मिसाइल जो आ रहा हो उसको रोक नहीं सकते, आपको बहुत सारा लक चाहिए। मतलब हो सकता है अगर आपके पास बहुत सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो वो इकट्ठा अपने रॉकेट्स लॉन्च करे, कोई एक रॉकेट किस्मत से लग गया तो अलग बात है। बाकी चाइना को अच्छे से पता है कि अग्नि 5 मिसाइल से ये लोग बच नहीं पाएंगे, और इससे भारत एशिया में ना शांति भी मेंटेन कर पाएगा। क्योंकि याद रखिएगा अगर हम लोग कमजोर होंगे तो चाइना बीइंग ए अग्रेसिव कंट्री वो हम पे अटैक करेगा। तो हमारी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि हम चाइना को कॉन्स्टेंटली याद दिलाएं कि अगर आप एशिया में शांति भंग करोगे तो इसके बहुत ज्यादा खराब परिणाम होंगे आपके लिए। और यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन भी होगा कि मैंने आपको पहले बताया था कि चाइना की जो युआन वैंग स्पाई शिप है ये इंडियन ओशन में आ चुकी है, ये नजर रखेगी इंडिया के मिसाइल टेस्ट पर। अब देखो इंडिया ने ना जब बिल्कुल आप कह लो फियरलेस होकर ये कह दिया कि 15 दिसंबर को हम टेस्ट करेंगे ये मिसाइल, और हमने ये टेस्ट एक ऐसे दिन में रखा है जब चाइना की सैटेलाइट्स भी प्रॉपरली एक पोजीशन पे होती नहीं है, तो चाइना ने भी ना यहाँ पर युआन वैंग 5 वापस बुला ली सिर्फ एक दिन पहले। जी हाँ, एक दिन पहले उन्होंने युआन वैंग शिप वापस बुला ली है चाइना की तरफ। और अगर आप सोच रहे हैं अच्छा इस बार इंडिया ने अग्नि 5 की बस एक्सटेंडेड रेंज दिखाई है, तो इसका आंसर है नहीं। ये भी बताया जा रहा है कि इंडिया ने एक स्पेशल टेक्नोलॉजी यहाँ पर टेस्ट करी है जिससे अग्नि 5 मिसाइल ज्यादा हल्का हो जाता है और ये एडिशनल अटैक्स भी कर सकता है। तो यहाँ पे हम प्राइमरली बात कर रहे हैं MIRV टेक्नोलॉजी के बारे में। MIRV की फुल फॉर्म होती है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल मिसाइल। अग्नि 5 मिसाइल का एक वेरिएंट ये भी है जिसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि जब इसका टर्मिनल फेज आता है ना तो उस वक्त मिसाइल का जो ऊपर का पार्ट होता है वहां पर एक वॉरहेड नहीं एक से ज्यादा 5, 6, 7, 8, 9, 10 बहुत सारे वॉरहेड निकलते हैं। और इसका आपको एडवांटेज ये मिलता है कि अचानक से आसमान से ना सिर्फ एक वॉरहेड नहीं मल्टीपल वॉरहेड नीचे गिर रहे होते हैं और आपके दुश्मन के पास चांस होता नहीं है खुद को बचाने का। एक वॉरहेड आ रहा होगा ना और वो भी 25 मार्क की स्पीड के आसपास, तो आपकी किस्मत है ऊपर वाले ने आपको साथ दिया तो शायद आप उस वॉरहेड को रोक दोगे। मगर जब मल्टीपल वॉरहेड आ रहे हो वो भी 20-25 मार्क की स्पीड में You will not be able to defend yourself. ये आप कह लो 100% success rate वाली टेक्नोलॉजी है। चाइना इससे, चाइना छोड़िए कोई भी देश इससे खुद को नहीं बचा पाएगा। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये एक टाइप का नजारा है MIRV वाला मिसाइल ना अपने टर्मिनल फेज से होकर 20 मार्क की स्पीड से नीचे गिर रहा होता है तो ऐसा कुछ दिखता है। और ऐसे सिनेरियो में ना आप बस बादलों को देख सकते हो, ऊपर देख सकते हो कि नीचे क्या आ रहा है, उसके अलावा यू कैन नॉट डू एनीथिंग। वैसे MIRV वाले जो मिसाइल है ये इसलिए भी न्यूज में है क्योंकि रशिया ने भी अपने MIRV वाले मिसाइल कर दिए हैं एक्टिव। इसका नाम है ICBM RS-24। जी हाँ, RS-24 रशिया ने कर दिया है एक्टिव, और ये बताया जा रहा है कि 12 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है देन द बॉम्ब दैट स्ट्रक हिरोशिमा। जो बॉम्ब यूएस ने गिराया था हिरोशिमा में 1945 में उससे 12 गुना स्ट्रॉन्गर है ये मिसाइल। मगर ऑब्वियसली मेरी उम्मीद यही है कि ये जो मिसाइल है ये एक्चुअली एक डेटरेंट का काम करे, ये पीस मेंटेन करे, ये मिसाइल कभी इस्तेमाल ना हो। नहीं तो अरुणाचल प्रदेश के आसपास तवांग में जैसे इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स डंडियों से लड़ रहे थे ना, तो फ्यूचर में पूरी दुनिया में कहीं भी वॉर होगी वो डंडियों से लड़ी जाएगी। इस्तेमाल करना पड़ जाता है, अगर आप ना भी इस्तेमाल करो तो छोड़ने चाहिए। आपको ये ना हो कि अब हम क्या करें, तो अगर उस लिहाज से देखा जाए इंडिया की जो एक सिचुएशन है कि जिस तरह चाइना के साथ भी काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, पाकिस्तान के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको अपनी एक तो हमने बोल दिया कि हमारी रेंज आपसे चाइना से कि हमारी रेंज काफी ज्यादा है। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।